Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics Channel and here is your teacher Vipin Sharma with you. Dear students, I am going to start wave optics. This is wave optics video 1 and first of all, to start with the wave optics, let us introduce some of the concepts, definitions which you already know. You have studied in 10th class what is light. तो 10th class में आपको ये define करवाया गया था कि light is a form of energy which produces a sensation of vision. तो पहला तो concept क्या है, definition, what is light. तो आप लिखो, light is a form of energy which produces a sensation of vision. तो जैसे light मेरे ऊपर पड़ रही है, ये कैमरा लगा हुआ है क्लास में और ये टेक्निकल लोग एक प्रॉपर लाइट लगाते हैं, तो उससे मैं आपको विजिबल हूं. अगर हम इस लाइट की इंटेंसिटी को डिक्रीज कर देंगे जैसे अब किया, तो अब पिक्चर तो दिख रही है लेकिन कैमरा को ऑटो एडजस्ट करना पड़ता है. तो पहले थोड़ा डार्क हुआ, अब इसने मेरे को कैप्चर किया फ्रेम को, तो आपको मैं दिखाई दे रहा हूं. क्यों दिखाई दे रहा हूं कि मेरे ऊपर जो लाइट पड़ रही है वो इंसिडेंट हो रही है और इंसिडेंट होने के बाद फिर वो मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूं. जब वो लाइट मैं रिफ्लेक्ट करता हूं तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी आईज के ऊपर पड़ती है. जब वो रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी आईज में पड़ती है तो फिर क्या होता है, रेटिना के ऊपर एक इमेज बनता है और उस इमेज पे मैं दिखता हूं, बोर्ड दिखता है, वेव ऑप्टिक्स दिखता है, राइट. तो स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ विजन. होप इट इज क्लियर, इजी लगा कि नहीं. लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन. अब क्वेश्चन क्या आता है स्टूडेंट्स, मेरा एक नेचर है, मैं इंट्रोडक्शन में हर चीज को डिटेल्ड समझाऊंगा. एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, क्योंकि हम लोग थ्रू यूट्यूब आपको टीच कर रहे हैं और आपके पास मैक्सिमम टाइम सीखने का है ना. चाहे आप स्मार्ट टीवी पे देख रहे हो इंटरनेट थ्रू, या आप टैब पे थ्रू ईयरफोन सुन रहे हो, तो आप कूल एंड रिलैक्स माइंड से हर चीज को समझो, फास्ट फॉरवर्ड में मत जाना, ठीक है. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ विजन, करेक्ट हो गया. अब इसको समझने के लिए बहुत साइंटिस्ट ने एफर्ट्स किए, जिसमें सर आइजेक न्यूटन भी हैं, हंस क्रिश्चियन हाइजन भी हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन भी हैं, मैक्स प्लैंक भी हैं, डे ब्रॉय भी हैं, बी आर ओ जी एल आई, डे ब्रॉय, जिसको आप लोग डे ब्रॉगली बोलते हो, डे ब्रॉगली नहीं है, डे ब्रॉय है, राइट. तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना जी जान तोड़ अपनी मेहनत की और आपको वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट लाइट के बारे में बताने की कोशिश की. अब सबसे पहले मैं एक थ्योरी लेके आता हूं जिसका नाम है न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, ठीक है, राइट. चाहो तो आप हेडलाइन डाल लीजिए, न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, आप ये हेडलाइन डाल सकते हैं, न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी लिख लीजिए आप, न्यूटन्स
corpuscular theory. अब न्यूटन साहब ने बोला कि लाइट टाइनी पार्टिकल्स में चलती है और वो पार्टिकल का नाम है कार्पसल, CORPUSCLE. ये बायोलॉजी वाले कार्पसल के साथ आप मत कंफ्यूज कीजिए, वो रेड ब्लड कार्पसल्स उससे उसके साथ मत कंफ्यूज कीजिए. न्यूटन साहब ने बोला कि जो लाइट है जी वो कार्पसल्स के फॉर्म में चलती है. ठीक है, जब लाइट कार्पसल के फॉर्म में चलती है तो अब ऐसे तो होता नहीं है कि हम कोई थ्योरी बोल दें और वो मान ले. बकायदा लोग क्वेश्चंस करते हैं, फिर उस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना पड़ता है, फिर एक्सप्लेन करके उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है. अगर वो सारे क्वेश्चंस सेटिस्फाई हो जाएं तो वो थ्योरी एक्सेप्ट की जाती है. मान लीजिए, इमेजिन कीजिए उस वक्त के न्यूज़पेपर में या उस वक्त के मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज आया कि न्यूटन, सर आइज़क न्यूटन launches an explanation of light. What is light? Breaking news. ऐसे आ रहा, breaking news. Newton launches explanation of light theory. तो जैसे आजकल टेलीविजन के ऊपर बहुत विद्वान लोग नहीं बैठे होते, चर्चा करते हैं, तो ऐसे न्यूटन के आसपास भी बहुत सारे लोग आए. तो न्यूटन साहब खड़े हो गए और बोले कि देखो दोस्तों, जो लाइट है वो कार्पसल्स के फॉर्म में चलती है और कार्पसल्स पार्टिकल्स होते हैं, राइट. एक खड़ा हुआ बंदा, ठीक है, बोलता न्यूटन जी लाइट मालूम है स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? हाउ विल यू एक्सप्लेन लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन? न्यूटन साहब बोले कि देखो भैया, लाइट पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स का इनर्शिया है, तो इनर्शिया डायरेक्शन का लगता है. अब देखो, उन्होंने अपनी मैकेनिक्स वाली बात नहीं छोड़ी, क्योंकि न्यूटनियन मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में ज्यादा लेके चलते हैं वो, तो उन्होंने अपनी वो मैकेनिक्स वाली बात नहीं छोड़ी. बड़े बोलते हैं यार देखो, बड़ा सिंपल है, पार्टिकल है, पार्टिकल का मास है, पार्टिकल का मास है तो इनर्शिया है, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, तो वो सीधे जाएगा. अब उसका तोड़ नहीं है बंदे के पास आंसर का, वो बैठ गया, ठीक है जी, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन बिकॉज ऑफ इनर्शिया, खत्म हो गया अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी. दूसरा बंदा खड़ा हो गया, सर हाँ जी बोलो. सर ये आपको मालूम है ना जी, लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है. न्यूटन साहब बोलते हैं हाँ होती है, तो सर बताना जरा कैसे होती है. न्यूटन साहब बोलते भैया बड़ा सिंपल सी बात है, जब लाइट जाती है पार्टिकल्स के फॉर्म में, कार्पसल्स के फॉर्म में, वो जाके सरफेस पे टकराती है. जो सरफेस पे टकराती है तो टकरा के न्यूटन लॉ ऑफ रिएक्शन, थर्ड लॉ, फोर्सेस को एग्जिस्ट इन पेयर, तो एक्शन एंड रिएक्शन, वो बाउंड हो जाती है, रिबाउंड होती है. जैसे कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर है, वो जाता है टकराता है, या दीवार पे आप गेंद को मारते हो, गेंद टकरा के पास वापस आ जाती है. तो जो गेंद गेंद ना हुई, तो गेंद क्या है? कार्पसल है यार, सिंपल सी बात है. अच्छा साहब, आपने तो रिफ्लेक्शंस भी बता दी. तो उन्होंने ये भी पूछा, एक ने पूछा कि सर ये एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है ना जी, तो ये अपना पाथ कैसे चेंज कर लेती है? मतलब डिफ्लेक्ट होती है जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो पार्टिकल्स में क्या आ जाती है? वेरिएशन आ जाती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि पार्टिकल जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, उसकी स्पीड पे फर्क पड़ेगा, स्पीड पे फर्क पड़ने से वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा, तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है. तो न्यूटन साहब ने जो फिनोमेनन ऑफ रिफ्रेक्शन है
उसमें एक और पॉइंट ऐड कर दिया कि एटमॉस्फेयर के अंदर और से पार्टिकल्स भी होते हैं, तो उसके साथ इनकी जब इंटरफेरेंस होती है तो ये मुड़ जाती है लेफ्ट राइट, तो ये इस तरह से रिफ्रेक्शन हो जाती है। भैया जब आपको कुछ समझाया जाता है या आपको कुछ एक्सप्लेन किया जाता है तो आपको आपके क्वेरी के आंसर को क्लियर कर दिया जाता है और आपके पास उसमें डाउट नहीं रह जाता, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ जाता है कि हाँ भैया ये न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ठीक बोली न्यूटन साहब ने। अब क्या है कि न्यूटन साहब वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, आई मीन लेटर स्टेज पे पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डाइफ्रेक्शन, तो ये थ्योरी फिर डिस्कार्ड कर दी गई। बोर में नहीं हो रहे आप लोग? भैया देखो बात सुनो, मैं आपको लिखने को नहीं कह रहा, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ये चीजें जब आप किताब में पढ़ोगे तो आपको शायद थोड़ा सा उस तरह से ना कंफर्टेबल लगता हो, आप इसको स्किप कर देते हो। तो इंटरनेट टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग और यूट्यूब टीचिंग का ये एडवांटेज है कि आपके पास चॉइस है, ठीक है ना, तो आप इसको डिटेल में बैठ के सुन सकते हो। इससे आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट का और स्ट्रांग होगा। बॉस एकदम से सीधी थोड़ी आप पैदा होते ही भागना शुरू कर दिया था मिल्खा सिंह बन गए थे, नहीं ना, स्टेप वाइज समझो यार, साइंस वाले है ना, तो पेशेंस बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है। तो पेशेंस के साथ सुन रहे हो ना मैं जो कह रहा हूं, क्या कि न्यूटन थ्योरी ऑफ कार्पसल, न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, डाइफ्रेक्शन, पोलराइजेशन एक्सेट्रा, लेकिन इट वॉज सक्सेसफुली एबल टू एक्सप्लेन दैट लाइट ट्रेवल्स इन लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट कैन बी डायफ्रेक्टेड। It was not able to explain that how the interference phenomenon of light takes place, how diffraction of the light takes place. So Newton's corpuscular theory was just able to explain only that light travels in a straight line, right? Light can be reflected, right? Newton was not able to explain the corpuscular theory. Newton's corpuscular theory was not able to explain interference, diffraction, right, polarization, right? As a result, this theory was not accepted later, but it was very much accepted till we had to explain the concept of the what, reflection, refraction, and so on. So dear students, this was a wonderful concept of wave optics. We had started with the first Newton's corpuscular theory. The first lecture is of around 13 to 14 minutes of Newton's corpuscular theory, the introduction part. Second theory, I'll discuss with you the Huygens wave theory in the video 2. Then so on. First, 3-4 videos to main introductions pe dalunga. जिनको बहुत जल्द है पढ़ना तो वो बेशक ये वीडियो ना देखें, जिनको बेसिक से समझना है तो वो वीडियो ना देखें, जरूर देखें। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, हमारे देश को अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे डॉक्टर्स नहीं चाहिए, वो हैं, हमें चाहिए साइंटिस्ट। और वो साइंटिस्ट कब बनेंगे, जब उनके बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। होता क्या है, जो बहुत अच्छी क्रीम है, वैसे तो सभी क्रीम है मेरे लिए, वो तो IIT में निकल गई, एम्स में निकल गई, ठीक है, उसके बाद वो जॉब पैकेज में निकले और वो रिसर्च को भूल जाते हैं। तो हमारे कंट्री को क्या, पूरे वर्ल्ड को हमें कौन चाहिए, हमें चाहिए साइंटिस्ट जो नई नई चीजें स्टडी करे, जो नई नई चीजें लेके आए। मेरी बात को फॉलो करते हो? तो मेरा यूट्यूब चैनल में आपका उस तरफ इंटरेस्ट बढ़ाने को बहुत मन है। और मैं एक साइंटिस्ट अरिस्टोटल के बारे में बताया था, अभी मैं और भी डालूंगा, देखते जाना। और थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। और इसको बेस्ट तरीका क्या है इस चैनल को यूज करने का, गो टू द प्लेलिस्ट एंड वहां पर चैप्टर वाइज। तो ये वेव ऑप्टिक्स वीडियो 1
The first concept was Newton's corpuscular theory of light. Thank you. Agla aayega video 2, Huygens wave theory, right? Thank you.